आपका मंच बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आप अपने मंच के माध्यम से जनता में जो सही चीज को रख रहे हैं, सही आंकड़े को पेश कर रहे हैं, इसके लिए आपके मंच को और आपको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हुए थे 4 महीने पहले, इन्होंने कहा कि रामपुर में हम पक्का पुल का निर्माण करा देंगे, चुनाव की घोषणा हुई, शिलान्यास तक नहीं हो पाया, और ये अगर रामपुर घाट पर पक्का पुल बन जाए तो ये मध्य प्रदेश से लेकर और जो है संत कबीर नगर तक को जोड़ने के लिए हो जाए और इससे आवागमन की राहत हो जाए। मैं संतोष कुमार तिवारी, आईपा से, आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम सामाजिक सरोकार, प्रगतिशील राजनीति और उन मुद्दों पे बात करते हैं जिसकी आज बहुत ज़रूरत है। आज देखा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में चुनावी लहर चल रही है और सभी दल अपने अपने सीट को बढ़ाने के लिए अपने अपने सरकार बनने की सब लोग बात कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम जनपद के ऐसे लोगों से बात करते हैं जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं, आम लोग हैं, खास लोग हैं। तो इसी क्रम में आज हम भदोही जनपद के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला महासचिव श्री ओम प्रकाश यादव जी के साथ हैं और हम उनसे पूछते हैं कि वास्तव में जो आज की राजनीति है, यह इसकी दशा और दिशा कैसी हो रही है, यह कहाँ जा रही है, जो आज की राजनीति है इस पर आपका क्या विचार है। स्वागत है यादव जी। धन्यवाद तिवारी जी, मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और जो 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से पूरे प्रदेश की जनता ऊब चुकी है और इसलिए पूरे प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है और अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात करती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो डेवलपमेंट किया वो बहुत साफ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ है जो आपके माध्यम से हम जनता के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। पहला, भारतीय जनता पार्टी ने जो डेवलपमेंट किया है पूरे प्रदेश में, माफियाओं का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से किया है। पूरे प्रदेश में माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दे रखी थी और लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार चरम पर था और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो माफिया थे, जो इनके सरगना थे, उनको लूटने की खुली छूट भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दे रखा था। और दूसरा जो उससे बड़ा डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो किया था साणों का। पूरे उत्तर प्रदेश में साणों का डेवलपमेंट इतना तेज़ी से किया गया था, यूँ कह लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने साण नाम की एक इंडस्ट्री की स्थापना किया था और उसमें साणों को छोड़ दिया गया था कि पूरे प्रदेश की किसानों का खेत ये साण चर आ रहे थे। ये डेवलपमेंट जो बहुत तेज़ी से हुआ। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, भ्रष्टाचारी का सवाल है, तो नौकरी पूरे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नौजवानों को रोज़गार देने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने जब 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमने जो काम किया था, हमारी सरकार ने जो काम किया था, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया था वो अपने आप में एक मिसाल है। हमने कन्या विद्याधाम देने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, पुलिस की भर्ती करने का काम किया, इसके बाद लैपटॉप देने का काम किया, 100 डायल चलाने का काम किया, 108 चलाने का काम किया, एक्सप्रेसवे बनवाया हमने, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाया। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इनके घोषणा मंत्री केवल घोषणा करने का काम किया और हमारे कामों का उद्घाटन करने का काम किया। यूं कह लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन मंत्री थे, न कि ये विकास। अगर बात की जाए विकास की, आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे शासनकाल में सब काम हुआ है, तो अगर इतना सब काम हुआ था तो फिर जनता ने आपको क्यों नकार दिया चुनाव में? देखिए, जनता ने हमको नकारा नहीं,
जनता समझ नहीं पाई, इनके कारनामों को जनता नहीं समझ पाई और जनता अपने करने पर अब पश्चाताप कर रही है। और जनता ने ये संकल्प ले रखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम नेस्तानामूद करके इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। ये जनता ने, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने संकल्प ले लिया है और 10 तारीख को जब नतीजा आएगा तो इनका पूरे प्रदेश में सुबड़ा साफ। नहीं, अगर बात की जाए कि समाजवादी पार्टी को तो क्या कितने सीट पा रहे हैं और गठबंधन आखिर क्यों किया, कि जब इनको पूरा विश्वास था कि हम बढ़िया से हमारा प्रदर्शन हो रहा है तो फिर लोगों से गठबंधन क्यों किया या कितना सीट इनको मिल रही है? देखिए, छोटी छोटी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनसे हमने गठबंधन कर रखा है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है कि छोटी छोटी पार्टियों को लेकर हम एक बड़ा परिवार अपना बनाना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी की सोच है और समाजवादी पार्टी की ये भी सोच है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति होता है और जो पक्ति के अंतिम पाती में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती है तब तक असली समाजवाद नहीं आता है। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी विचारधारा के हैं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को के चेहरे पर मुस्कान आवे और नौजवानों को रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर नौजवान नौकरी मांगने जाता था तो उनको लाठियों से पीटा जाता था, नौकरी के नाम पर उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी। किसानों को, अगर किसान आंदोलन कर रहा था, अपने हक की मांग कर रहा था, ये कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करने के बजाय इन्होंने साढ़े उसे पूरा किसानों की खेती चरवा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है एक काम जरूर करती है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम बहुत तेज़ी से करती है और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। अभी हमारा मैनिफेस्टो आया है, हमने जो कार्यक्रम दिया है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, मुलायम सिंह जी का इतिहास रहा है कि जो कहते हैं वो करते हैं और ठीक उसी रास्ते पर। हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, हम मुलायम सिंह यादव के सिपाही हैं, अखिलेश यादव के सिपाही हैं और जो हम कहते हैं वही करते हैं। अगर आप जिले की बात करना चाहते हैं तो जिले को ही आप ले लीजिए। इस 5 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नई सड़क का निर्माण कराने का काम नहीं किया है और जो अधूरा काम पड़ा था उसको भी पूरा करने का काम नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आप चले जाइए, चिकित्सा के क्षेत्र में आप चले जाइए, निर्माण के क्षेत्र में आप चले जाइए, विकास के क्षेत्र में चले जाइए, सब शून्य है। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हुए थे 4 महीने पहले, इन्होंने कहा कि रामपुर में हम पक्का पुल का निर्माण करा देंगे, चुनाव की घोषणा हुई, शिलान्यास तक नहीं हो पाया। और ये अगर रामपुर घाट पर पक्का पुल बन जाए तो ये मध्य प्रदेश से लेकर और जो है संत कबीर नगर तक को जोड़ने के लिए हो जाए और इससे आवागमन की राहत हो जाए। लेकिन ये तो सिर्फ घोषणा करते हैं ना, ये झूठ बोलते हैं, घोषणा करते हैं, इसलिए प्रदेश की जनता इनको नकार दिया है। और हम 350 के पार पूरे उत्तर प्रदेश में सीट जीतने जा रहे हैं और 10 तारीख को समाजवादी पार्टी का ही परचम पूरे प्रदेश में लहराएगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आदरणीय अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से विराजमान होंगे और इस प्रदेश की जनता का कल्याण होगा और इस प्रदेश में विकास की लहर दौड़ाने का काम। भदोही की अगर बात की जाए तो भदोही में 3 विधानसभा सीट है, पिछले चुनाव में सपा ने यहाँ पर खाता नहीं खोल सका, तो इस बार क्या प्रदर्शन रहेगा सपा का? नहीं, पिछले विधानसभा में समाजवादी पार्टी भदोही में भी मात्र 1000 वोटों से हारी थी, औराई में भी कम वोट से हारी थी, ज्ञानपुर में थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन इस बार हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है और निश्चित रूप से हमें जनता पर, भदोही की जनता पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ऊब चुकी हुई है इस जिले की भी जनता और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने शून्य कर रखा है, इसलिए इस जिले की 3 सीट हम निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। नहीं, ज्ञानपुर अगर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे सभी सीटों पर डिक्लेयर हो चुके हैं प्रत्याशी, तो यहाँ पे ज्ञानपुर विधानसभा को लेकर प्रत्याशी में कुछ चर्चा चली, उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है वो फैसला सर्वमान्य है, जो उनका निर्देश होता है उसको हम लोग अक्षरशः पालन करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया है, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी साथी
उस फैसले का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से जो कैंडिडेट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है उसको जिताकर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देने का काम। तो हमारे मंच आपका मंच बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, आप अपने मंच के माध्यम से जनता में जो सही चीज़ को रख रहे हैं, सही आंकड़े को पेश कर रहे हैं, इसके लिए आपके मंच को और आपको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं और हृदय से आपका आभार। तो हमारे साथ थे सपा के पूर्व जिला महासचिव ओम प्रकाश यादव जी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने बताया कि सपा के शासन काल से लोग इतना प्रभावित हैं कि फिर 2022 में सपा की सरकार बनी है और भाजपा के कार्यों की उन्होंने जमकर आलोचना की और उन्होंने विश्वास जताया कि पूरे प्रदेश में भदोही में सपा का परचम लहरेगा। ये तो समय ही बताएगा कि क्या होता है आगे के चुनाव में। आप बने रहिए, आईपा देखते रहिए। धन्यवाद।